प्रखर पत्रकार और पूर्व सांसद चंदूलाल चंद्राकर के पुण्यतिथि में सीएम भूपेश नमन करत हुए दिए श्रद्धांजलि। श्रद्धा सुमन अर्पित करत हुए सीएम कहिस, माटी पुत्र और निर्भीक पत्रकारिता ले चंदूलाल चंद्राकर देश में छत्तीसगढ़ के नाम करिस रोशन। राज्यसभा सांसद और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम बजट ल लेके केंद्र सरकार ऊपर साजिश निशाना। बजट ल उद्देश्यहीन बतात हुए कहिस, एमा रोजगार बढ़ाए किसान और गरीब के उत्थान के नहीं है कोनो योजना। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर के बेटी मन ल 18 बछर पूरा होए में सरकार द्वारा एकमुश्त 20,000 के राशि करे जाही प्रदान। राज्य शासन द्वारा 29 जनवरी के योजना होइस लॉन्च। ग्रामीण क्षेत्र के विकास में देखे ल मिला थे स्वास्थ्य के संग खिलवाड़। छुई खदान क्षेत्र के जंगलपुर में गंदगी के बीच बोर के पानी ल पिए बर ग्रामीण है मजबूर। स्थानीय जनप्रतिनिधि ल नहीं दिखा थे कोनो सरोकार। बलौदा बाजार सिमगा मुख्य मार्ग में भारी वाहन चालन के कारण लगातार बढ़त जाते सड़क दुर्घटना के संख्या। अज्ञात वाहन के ठोकर ले बाइक सवार व्यक्ति के हुई दर्दनाक मौत, एक हुई गंभीर रूप से घायल। न्यायधानी माँ पिता द्वारा अपन नोनी संग लगातार 5 बछर ले शारीरिक शोषण करे जाए के आई शर्मनाक मामला। बेटी के व्यवहार ले माँ ल शक होए माँ घिनौना करतूत के हुई खुलासा, आरोपी पिता हुई गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में कोरोना से 16 लोगन के हुई मौत। 3,241 नवा मरीज आई सागू। रायपुर में 493 त बिलासपुर में मिली 141 संक्रमित। प्रदेश में कुल 21,162 तक पहुंची एक्टिव केस के संख्या। राजनांदगांव में बछर 2009 में घटित मदनवाड़ा कांड के न्यायिक जांच हुई पूरा। रिटायर्ड जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव ह मुख्य सचिव अमिताभ जैन ल सौंपी रिपोर्ट। हवा के दिशा में बदलाव होए के वजह से गुरुवार के सरगुजा और बिलासपुर संभाग में वर्षा के संग ओलावृष्टि के है आसार। रायपुर समेत मध्य इलाका में बादल रहे के साथ हल्का वर्षा होए के मौसम विभाग दिए चेतावनी।